बहुत बड़ा दुखद विषय है कि अमरनाथ में जो घटना हुई है, मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बहुत बड़ी शर्मनाक घटना है। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ भारत की सेना को, जो इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो रोकने के लिए लगातार प्रयास करती रहती है। हमारा सेना बर्फीले इलाके में रहकर इस देश की सेवा में लगे हुए, बॉर्डर पर लगे हुए, लेकिन उसके बाद भी आतंकवादी जहाँ मौका मिलता है इस तरह की घटना करती है, उसकी घटना की भारतीय जनता पार्टी निंदा करती है। सरकार बहुत बड़े बड़े दावे कर रही है और सरकार कह रही है कि हमने सुरक्षा को चाक चौबंद कर रखा, उसके बावजूद इस घटना का अंजाम दिया जाना इस बात का गवाह है। एक्सटर्नल इंटरनल सिक्योरिटी के मामले में एनडीए की गवर्नमेंट पूरी तरह से विफल रही है। आम नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने या तीर्थयात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने में सरकार की विफलता सामने आई है। आखिर किसकी जवाबदेही मानी जाए, किसकी चूक यहाँ पर रही है और ऐसे में संभलने के हालात क्या है? ब्रिगेडियर भगवान सिंह साहब, आपका रुख करना चाहते हैं। सैन्य शासन की मांग यहाँ पर दोनों पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं, आपको लगता है कि बेहतर जरिया है ये फिलहाल कश्मीर के हालात जो बने हैं? मैं आंकड़ा वो दुरुस्त करना चाहूंगा, 2015 मार्च में जब बीजेपी पीडीपी का गठबंधन बना उसके बाद कुल 457 लोग यहाँ पर कश्मीर में मारे गए हैं, 48 आम लोग हैं, 134 सुरक्षाकर्मी इसमें हैं और करीब 275 उग्रवादी इनमें हैं। इसके सिवा असंतोष के बीच 100 से ज़्यादा सामान्य लोग भी अलग मारे गए हैं। देखिए बात यह है, मैं आपके आंकड़ों से ये निष्कर्ष निकालता हूँ कि इस देश के लिए, मीडिया के लिए या किसी पार्टी के लिए ये आंकड़े फिगर बन के रह गए हैं। एक आदमी भी मरता है तो इस देश में कान खड़े होने चाहिए, ये चाहे वो फौज का है चाहे वो सिविलियन है। क्यों मरता है, क्यों शहीद होता है, उसको कैसे रोका जाए? सबसे पहले लीडरशिप की जिम्मेवारी ये है कि कोई कैजुअल्टी नहीं होनी चाहिए, आदमी नहीं मरने चाहिए, अपने आदमी कोई भी किसी भी शहीद का शव घर में नहीं पहुंचना चाहिए, यानी कोई शहीद ही नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, वैली पे कैसे आप सॉल्यूशन क्या करो? नाउ अभी ओझा साहब ने बोला सैन्य शासन लगा देना चाहिए। पाकिस्तान ने इस पाकिस्तान में या अभी बांग्लादेश में सैन्य शासन लगा दिया, एक किस्म से सैनिकों को पूरी छूट दे दी। सैन्य शासन में सैनिक को पूरी छूट दे दी, सेना के हवाले कह रहे हैं, सैन्य शासन नहीं कह रहे, सैनिक मतलब सैनिक का हवाले, यहाँ भी तो आप यही कह रहे हो ना, नो मिलिट्री रूल, सैनिकों के हवाले कर, हाँ ये भी आप ये भी यही कह रहे हो ना, हवाले नो मिलिट्री रूल, हाँ नो मिलिट्री रूल, तो इन एनी केस वो भी हवाले सैन्य का हवाले किया हुआ था। तो शब्दों का तोड़ मतलब यही है कि भाई ये कोई भी मिलिट्री शासन वहां होना चाहिए, ये मिलिट्री सॉल्यूशन नहीं है। इसके क्या दो पहलू हैं, एक है मिलिट्री पहलू, आप इस हक में नहीं है पहली बात, बिल्कुल बिल्कुल नहीं जी, मैं तो सैनिक का खुद हूं ना, मुझे पता है सैनिक क्या कर लेगा। इट इज नॉट ए मिलिट्री प्रॉब्लम, आप दुश्मन सामने हो, हम तो सामने दुश्मन को देख के गोली चलाने वाले हैं, इसमें कोई दुश्मन है ही नहीं, पब्लिक आम पब्लिक है, उसमें आप कैसे पहचानोगे यहाँ पे हम में से एक मिलिटेंट है? सेम ड्रेस वो भी वही पहना हुआ है, वो भी बैठा है, वो सुन रहा है, वो खबर दे रहा है। तो आप जब तक पॉलिटिकल इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करोगे दोनों साथ नहीं होंगी, मिलिट्री एक तरफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक प्रॉब्लम एक तरफ। आप वो सरकार का काम है पॉलिटिकल इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करना, मिलिट्री प्रॉब्लम को सॉल्व करना मिलिट्री का काम है ना। आप देखिए कि दोनों में से कौन सी प्रोग्रेस कर रही है, कौन सी प्रोग्रेस नहीं कर रही है। नाउ आप मिलिट्री अपना काम क्या कर रही चूक है? मानते हैं आप 29 तारीख को 29 जून से अमरनाथ की यात्रा शुरू हुई, करीब करीब पूरे कश्मीर की बात की जाए 40,000 सुरक्षाकर्मी जम्मू से लेकर और आखिरी सिरे तक और कश्मीर रीजन में 20,000 सुरक्षाकर्मी तैनात हैं, उसके बावजूद इस तरह के हमले, अलर्ट्स के बावजूद अलर्ट्स दिए गए थे, बुरहान वानी की जो वाकया हुआ 9 जुलाई को पिछले साल उसकी बरसी थी, इस बार उस पर भी अलर्ट थे, ठीक उसके बाद में ये वाकया हो रहा है हमारे सामने। नहीं देखिए आप ये व्यवस्था की बात कर रहा हूँ मैं, ये बस जब कहीं पंक्चर हो गया कोई भी रीजन हो गया उसका, ये यदि पिछड़ गई, पहले जो जहाँ से फायर हुआ है उस जगह से मेन कॉन्वॉइज की लास्ट गाड़ी 7 बजे निकल गई थी, ये गाड़ी 8:00 पे वहाँ से निकली है। नाउ ये बताइए कि बिना एस्कॉर्ट के, बिना, और ये वहाँ के ऑर्गेनाइजर्स का एक एडवाइजरी थी कि कोई भी जत्था गाड़ी दिन छिपने के बाद में नहीं चलेगी। नाउ ये मान लो पंक्चर भी हो गया इसको, तो इसको चलना नहीं चाहिए था। नियरेस्ट कैंप जो था आर्मी का पुलिस का वो आगे था, 2 किलोमीटर आगे था वो कैंप, 2 किलोमीटर आगे था, नहीं पीछे भी होगा कहीं, ऐसा थोड़ी होता है। दूसरा जो बीच बीच में नाके लगे हुए होंगे, जगह जगह पे लगे होते हैं, पुलिस होती है, इस गाड़ी को आगे जाने क्यों दिया? तो सुरक्षा में चूक तो हुई है, व्यवस्था में चूक हुई है। और दूसरा वो पुलिस का ये एक्सप्लेनेशन है
कि जब 7 बजे गाड़ी लास्ट कॉन्वे चली गई तो जो रोड ओपनिंग पार्टीज लगी हुई थी चौकी पे वो सब विड्रॉ कर गई, मेन पार्टियां विड्रॉ कर गई, कुछ एक आदमी जगह पे छोड़ के चले गए, तो सिक्योरिटी लैक्स हो गई। नाउ मिलिटेंट्स ये रोज़ देखते हैं, 13 दिन से यात्रा चल रही है, उन्होंने यही देखा है कि ये इतने बजे तक ये सिक्योरिटी वाले वो चले जाते हैं, क्योंकि उसके बाद में कोई बद्रीनाथ की यात्रा वाले तो जा नहीं रहे, और आम आदमी तो वैसे ही नॉर्मल जो पहले जो सुरक्षा थी वो तो है ही है। तो इसलिए सुरक्षा में मेरे ख्याल से ये थोड़ी बहुत चौकन्ना रहना चाहिए था कि ये जो विड्रॉ करते हैं इन ट्रूप्स को विड्रॉ नहीं करना। चलिए करोड़ सिंह जी, आप सैन्य शासन की उस बात पर या फिर कहें कि मिलिट्री को हैंडओवर कश्मीर कर देना चाहिए, इस बात पर आप क्या सहमत हैं? देखिए अश्विनी जी, सेना के हवाले करना कोई समस्या का समाधान नहीं है, क्योंकि सेना ऑलरेडी वहाँ एक्टिव थी, और जैसा कि अभी हमारे गृह मंत्रालय में जो मीटिंग हुई है उसके बाद गृह मंत्री ने जो स्टेटमेंट दिया उसमें दो महत्वपूर्ण बातें कही हैं उन्होंने। एक तो कश्मीरियत और कश्मीरी जनता को अप्रिशिएट किया है कि कश्मीरी जनता है वो सब इसको कंडेम कर रही है, इंक्लूडिंग अलगाववादी। दूसरा उन्होंने कहा कि हम आगे से ग्रेटर कोऑर्डिनेशन करेंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे गृह मंत्रालय ने एक चीज़ स्वीकार की है कि कहीं समन्वय में कमी रही है, इंटेलिजेंस और दूसरी एजेंसीज हैं, और इंटेलिजेंस में और इनमें कोऑर्डिनेशन के कमी का शायद ये कारण हो सकता है कि इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं वो गांव में हैं, और गांव में इंटेलिजेंस करना और इंफॉर्मेशन गैदर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है सिक्योरिटी सर्विसेज के लिए। तो अटैक करने के लिए आए तो एक गली से आए हैं, मोटरसाइकिल पे आए हैं, तो इस तरह की स्थिति में इंटेलिजेंस वाले भी बहुत ज्यादा नहीं कर सकते। फिर भी हमारे गृह मंत्री ने यह कहा है कि हम ग्रेटर कोऑर्डिनेशन करेंगे। कश्मीर नीति पर आना चाहता हूं, आपसे जानना चाहता हूं कि क्या बीजेपी सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार की कश्मीर नीति यहां आकर थोड़ी विफल लगती है आपको या पूरी नाकाम लगती है? देखिए कश्मीर नीति का जहां तक सवाल है कि हम और मीडिया और सरकार दोनों ने एक चीज किया कि अलगाववादी, आतंकवादी और अपराधियों में पहले कोई अंतर नहीं किया, अलगाववादियों को हम आतंकवादी मान बैठे। तो आज ऐसा लग रहा है कि सरकार अंतर कर रही है कि अलगाववादी अलग हैं, और मुझे लगता है कोई वार्ता का रास्ता निकलेगा, अलगाववादियों से वार्ता की जाएगी किसी न किसी रूप में, क्योंकि अलगाववादी और आतंकवादियों में गृह मंत्री के स्टेटमेंट से ये लगता है कि कुछ अंतर कर रहे हैं। गंजा मेयर साहब, कश्मीर नीति को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? लगातार आपकी पार्टी सवाल खड़ी करती रही है, राहुल गांधी जी ने भी ट्वीट किया है और कहा है कि ये चूक नाकाबिले बर्दाश्त है, अस्वीकार्य है इसको। नहीं, ये सही है, तो ये चूक हुई है और ये चूक की जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए, पूर्णतः इसमें केंद्र सरकार को लेनी चाहिए। जहां तक जम्मू कश्मीर का मामला है इस पे इनकी स्थिति स्पष्ट नहीं है, और जो इनका जो समझौता है उसमें भी इनके मन में खटास है। अगर इस तरह की बात है तो इनको अलग अलग हो जाना चाहिए, जब इनकी बात नहीं मानते हैं आपस में, अगर समझौता ठीक नहीं है तो इसको अलग हो जाना चाहिए, और जनता की जान से खिलवाड़ सरकार को नहीं करना चाहिए। आज हमारे आए दिन वहाँ मिलिट्री के जवान शहीद हो रहे हैं और लगातार हो रहे हैं, ये एक दिन का वाकया नहीं है, हर 2-4 दिन में आम आदमी मारा जा रहा है, आम आदमी मारा जा रहा है, मिलिट्री का आदमी मारा जा रहा है, हमारा जवान शहीद हो रहा है, मेरे विधानसभा क्षेत्र में आए दिन वहाँ शहीदों की लाश आती है, तो बहुत दुखद घटना है। ये देश में इस तरह की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, केंद्र सरकार को इस मामले पर बहुत कठोर कदम उठाना चाहिए, और आज जनता का विश्वास उठता जा रहा है सरकारों से, राजनीति से विश्वास उठता जा रहा है, इसलिए मैं तो केंद्र सरकार से ये आग्रह करता हूं कि निश्चित रूप से इस आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए, और जनता का और सैनिकों का दोबारा से मान सम्मान रहे और उनको विश्वास पैदा हो। अगर इस तरह सरकार विधानसभा चुनाव से पहले भी मोदी जी भाषणों में कश्मीर का जिक्र अक्सर करके इस मुद्दे को रखा करते थे, लोकसभा चुनाव से भी पहले बोले, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? कश्मीर नीति का मूलतः ये तीनों सहमत होंगे, लेकिन पॉलिटिकल कारणों से भले घनश्याम जी मना करें, कश्मीर को सुलझा देना चाहिए था और सुलझाया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कश्मीर का मसला सुलझा दिया था, और धारा 370 और अलगाववादी और एक वहाँ का भी यहाँ प्रधानमंत्री और वहाँ प्रधानमंत्री, वहाँ का विधान अलग, यहाँ का विधान अलग, वहाँ का झंडा अलग, यहाँ का झंडा, शुरुआत की पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, जिस इंटरेस्ट में की, किस इंटरेस्ट में की, आज उस बात पर मैं आलोचना नहीं कर रहा, क्योंकि उन्होंने भी अपनी सोच में कुछ रखा हुआ, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जहाँ रियासतों का एकीकरण किया वहाँ कश्मीर का मसला भी हल कर दिया, और 1948 में जब कबायलियों ने हमला किया और एक कश्मीर का हिस्सा एक तिहाई अलग गया, तब भी पटेल ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, लौह पुरुष ने, इस देश के पहले गृहमंत्री ने,
और वहाँ हमला बोल दिया कि भाई कश्मीर को अलग नहीं जाने देंगे और आज़ाद कश्मीर जो आज कहते हैं उसको लेकर नेहरू जी ने मिलिट्री को रोक दिया। शुरुआत वहाँ से है इस समस्या का। और जहाँ तक साहब वो 70 साल पुरानी बातें हैं, आज स्थिति अलग है। मैंने आपके बीच में नहीं बोला। अगर इस ढंग से करेंगे तो कल वो एक भले आदमी आ गए थे प्रोफेसर, उन्होंने बीच में बोला हल्का शब्द, मैं आपके लिए नहीं बोलना चाहता हल्का शब्द। आपने कहा सिर्फ निंदा से काम नहीं चलेगा, निंदा आपने भी की, आपने कौन सा नया शब्द प्रयोग किया? हमारी सरकार मिलिट्री से है एक सैनिक और बड़े सैनिक है पदाधिकारी, इन्होंने जो कहा मुझे कि मैं सेना में रहा हूँ, मुझे पता है सेना क्या करेगी। सेना ने क्या करना नहीं करना इस पर सवाल हमने कभी नहीं उठाना चाहिए। और सेना ऐसी देशभक्त है, गद्दारों को पुरस्कृत करने वाले भी राजनीतिक लोग यहाँ पर हैं, पत्थरबाजी को सपोर्ट करने वाले लोग भी यहाँ हैं। अब सेना वहाँ जिस ढंग से उन्मुक्त भाव से काम करे उसको रोक लगाने वाले हमारे देश के लोग सेना की बुराई और जनरल डायर से और तुलना कर दी, ऐसे भी शैतान। आप सवालों से बच रहे हैं। आप सवालों से बच रहे हैं। कश्मीर नीति मैंने आपसे पूछी, वो कश्मीर नीति जिसका जिक्र नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी और आप जैसे नेता अपने अक्सर चुनावी भाषणों में अपनी सभाओं में करते हैं, वो कश्मीर नीति आज का है? आपने भी कई बार कहा कि आने दीजिए मोदी सरकार, हम कश्मीर को सही करके दिखाएंगे। देखिए 3 वर्ष हुए हैं और 5 वर्ष में कश्मीर को आप सब तरफ से शांतिपूर्ण तरीके से हल होते मानिए। ये छुटपुट जो घटना है ये उल्टा जनता को भी जागरूक कर रही है, सेना को भी और केंद्र की सरकार को। ये जागरूकता अति आतंकवाद और अति आक्रमणकारियों के लिए और खात्मे की जागरूकता है। उस जागरूक सरकार को राजस्थान सरकार कुछ नहीं कर पा रही। राजस्थान सरकार क्या करेगी, लेकिन केंद्र सरकार का जहाँ तक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे की बात, जेएंडके सरकार राजस्थान का हौसले ध्यान है, जेएंडके सरकार इसमें कुछ नहीं, उसका कोई रोल नहीं है। मूल रोल तो केंद्र सरकार का है और कश्मीर नीति पूरी तरह से सफल। जो उग्रवादियों को सपोर्ट, क्या कश्मीर की भूमिका आप नहीं मानते? कश्मीर सरकार की भूमिका नहीं, जो उग्रवादियों को सपोर्ट करती पीडीपी थी, कभी उग्रवादियों का संरक्षण का समर्थन ये पीडीपी करती थी पार्टी, और आज पीडीपी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ वहां है, ये क्या कम है? क्या ये कम नहीं है? और आज उस नीति को सफल कर रहे हैं। तो कश्मीर में सिर्फ अगर आप सर्वे करेंगे, जरूर आरोप ये है कि अब सरकार चलाना सिर्फ मकसद बच गया है, जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र रहे, भारत जिंदा रहे, ये परंपराएं कहां चली गई? राम माधव कश्मीरियत की चुनाव से पहले जितना सक्रिय थे आज नहीं है। कश्मीरी और कश्मीरियत की प्रशंसा की है माननीय राजनाथ सिंह ने, इसलिए कश्मीर में 4% लोग हैं, तो इसका मतलब 5% लोग हैं आम कश्मीरी नहीं है। 4 या 5% लोग हैं, घनश्याम जी आप इधर सुनिए, 4 या 5% लोग हैं जो कश्मीर में आतंकवाद के, और वही पाकिस्तान से प्रायोजित आतंकवाद है। जहाँ तक अलगावादी है, करोड़ सिंह जी से मैं सहमत नहीं हूँ, पहले अलगावादियों को बंद करना चाहिए, उनको शरण देने वाले आतंकवादियों को दहशतगर्द। आप ही नाकामी गिना रहे हैं, आप ही कह रहे हैं कि सेना के हवाले कर दिया जाना चाहिए, मतलब पहले उनका कुछ नहीं कर पाए। एक बात आहूजा साहब ने ये कही, सरकार कुछ जागृति पैदा होगी, मैं तो इस बात का अर्थ, आहूजा साहब ने ये कहा कि सरकार कुछ नहीं कर पा रही, शायद इसलिए सेना के हवाले किया जा रहा है। सरकार कुछ कर पा रही है इसलिए तो मिलिट्री को लगाएगी। मेरा निवेदन और सरकार का निर्णय होगा मिलिट्री लगाने का। सरकार कुछ नहीं कर पा रही, सरकार को राजनाथ सिंह जी जाकर गोली चलाने वाले हैं क्या? मोदी जी तो नहीं चला रहे, तो नीति की बात है। जिस कश्मीरियत का जिक्र करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी का उदाहरण देते हैं, उस राज में क्या हुआ था और आज क्या हो रहा है? सवाल इस बात का है कि सरकार कहती है कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, घुसपैठ क्यों नहीं रोक पाए, क्यों हुर्रियत की फंडिंग नहीं रोकी जा रही, जब पता है कि सब ऐलान हुर्रियत की तरफ से किए जाते हैं, अलगाववादियों की तरफ से किए जाते हैं। तो फिर क्या वजह है कि वही अलगाववादी आज खुले घूम रहे हैं? कहाँ पर कथनी और करनी का फर्क है? एक ब्रेक, लौटेंगे तुरंत। जो बस वहाँ पे जिसे बता रहे हैं कि बिना परमिट के रवाना हुई, अथवा जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं था, इसमें परिवहन अधिकारियों की और जम्मू कश्मीर सरकार की गलती है। और उन्होंने तय कर लिया 7 बजे के बाद वो गाड़ी रवानी होगी वहाँ से, फिर वो गाड़ी रवाना की मैं समझता हूँ इसमें सुरक्षा एजेंसियों की जबरदस्त गलती चूक हुई उनसे। सुरक्षा ऐसी होनी चाहिए जो भी गाड़ी जा रही है आ रही है तो बिना हिसाब किताब नहीं जाए, बिना एंट्री के नहीं जाए। उन्होंने ये भी कह रखा था कि भाई एंट्री करवा के जाएँ, इससे क्या है उनको कोई सुरक्षा देनी चाहें सुरक्षा बल, कहीं कहीं उनकी भी गलती आ जाती है श्रद्धालुओं की।